दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आप जीके चैनल की अर्निंग देख सकते हो, 720 से लेके 11.5 के मंथली अर्निंग है। और जो कि फ्रेंड यहाँ पे जीके का वीडियो बना के अपलोड करते हैं और जीके के वीडियो से इतना अर्निंग हो रहा है, 720 से लेके 11.5 के मंथली अर्निंग है यहाँ पे। और जीके का वीडियो बना के अच्छा खासा चैनल भी ग्रो हो गया है और जीके वीडियो से अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहे हैं, महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो फ्रेंड इस प्रकार का वीडियो बना के आप भी महीने का लाखों रुपए कमा सकते हैं। अभी फ्रेंड आप सोचोगे कि मैं जीके का वीडियो बनाऊं कैसे, इसके लिए बैकग्राउंड कहाँ से लाऊं, इसके लिए टाइमर कहाँ से लाऊं, तो फ्रेंड मैं आपको सब बताऊंगा कहाँ से आपको क्या लेना है। और फ्रेंड आप खुद भी बना सकते हैं, इस प्रकार का बैकग्राउंड है टेम्पलेट बना के वीडियो बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड आप वीडियो पूरा देख लेना, इस वीडियो में आपको मैं पूरा बताऊंगा कहाँ से क्यों से लेना है, कहाँ से बैकग्राउंड लेना है, टाइमर कहाँ से लेना है और कैसे इसको एडिटिंग करना है। एडिटिंग करके सीधा आपको यूट्यूब पे अपलोड करना है और आप भी अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं। जो फ्रेंड मैंने इस चैनल की अर्निंग दिखाई, ये जीके का चैनल ही है, आपको मैं लास्ट में दिखा दूंगा वीडियो में जो कि कौन सा चैनल है और कितनी यहाँ पे अर्निंग हो रही है और किस प्रकार का वीडियो बना रहता है। आप भी जाके जरूर देखना कि ये सिर्फ जीके का ही वीडियो बनाते, ये जीके का चैनल है और जीके का वीडियो बना के अपलोड करते और अच्छी खासी मंथली अर्निंग करते और इनका चैनल भी ग्रो हो गया, मिलियन में सब्सक्राइब है और अच्छा खासा व्यूज आता है। अगर फ्रेंड आपने भी जीके का चैनल बनाया है लेकिन वीडियो नहीं बना पाते, अगर आप जीके का न्यू चैनल बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं। अगर आपने बनाया हुआ ऑलरेडी लेकिन आप वीडियो सही से नहीं बना पाते तो फ्रेंड इस वीडियो को पूरा देख लेना, इसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा कैसे आपको एडिटिंग करना है और कैसे सेम जो इस प्रकार का चैनल पे होती है सेम इस प्रकार का एडिटिंग करके आप अपना चैनल भी ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं, किस प्रकार से आपको एडिटिंग करना है और कौन सी एप्लीकेशन में करना है जिससे आप बेस्ट तरीके से आप कर सको। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो चलिए फ्रेंड अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ से क्यूशन लेना है, तो क्यूशन लेने के लिए आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर में जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है jkahani.com लिख के आपको सर्च करना है। तो फ्रेंड यहाँ पे देख रहे हो कई वेबसाइट मिल जाएगी आपको क्यूशन आंसर के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको सबसे ऊपर वाली वेबसाइट है, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको क्यूशन और आंसर आपको दोनों मिलेगा और साथ में आपको ऑप्शन भी मिलेगा। तो फ्रेंड इस प्रकार से यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगी और फ्रेंड यहाँ से आपको क्या करना है, क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है जिस पर आपको बनाना है। तो देख रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से फ्रेंड यहाँ पे सब क्वेश्चन है और नीचे ऑप्शन है और इसके नीचे यहाँ पे आंसर भी है। तो फ्रेंड आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपको कॉपी कर लेना है, ऑप्शन है यहाँ पे, इसके बाद में यहाँ पे आंसर है। तो फ्रेंड सब चीज़ें यहाँ से ले लेना है। अगर फ्रेंड आप चाहो तो इसको कीप नोट में एकदम से आप सेव कर सकते हो। तो फ्रेंड आप एडिटिंग करने के लिए आप चाहो तो इसको कीप नोट में एडिट कर सकते हो। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन लेके आपको कीप नोट में एडिट कर लेना है ताकि आप जीके का वीडियो बनाओ तो आपको आसानी रहे। तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड मैंने 2-4 ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। तो फ्रेंड क्वेश्चन ले लेना है। क्वेश्चन लेने के बाद में फ्रेंड आपको क्यूज बनाना है। तो क्यूज बनाने के लिए फ्रेंड आपको क्या करना है, पिक्सेल ऐप ओपन कर। तो फ्रेंड पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन है, ये आपको प्ले स्टोर मिल जाएगी, इंस्टॉल कर लेना है। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको न्यू टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, इसको आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। यहाँ पे फ्रेंड आपको ऊपर में जाना है, यहाँ पे ऊपर में जाने के बाद में आपको 3 डॉट दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको इमेज साइज में जाना है। इमेज साइज में जाने के बाद में फ्रेंड आपको क्या करना है, कस्टम पे जाना है, यहाँ कस्टम लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यूट्यूब थंबनेल लिखा है यहाँ पर, ये वाला यूट्यूब थंबनेल लिखा है, ये वाला आपको साइज यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है, ओके कर देना है। तो फ्रेंड यहाँ पर अभी अपने क्यूज बनाएंगे जो अपने जीके वीडियो में बनाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड आपको साइड वाले पे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको कलर वाले पे जाना है, कलर में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो अपने वाइट कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड आपको जो बीच वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है, शेप पे जाना है। शेप में जाने के बाद में आपको इस प्रकार से एक शेप बनाना है, यहाँ पर एक शेप बना लेना है। यहाँ पर आपको कलर मिल जाएगा, तो यहाँ से अपने कलर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से आपको कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड इस प्रकार से अपने रेड कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और भी काफ़ी सारे कलर मिल जाएंगे यहाँ पे। तो ये अपना रेड कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड आपको क्या करना है, यहाँ पे रेडियस लिखा है, रेडियस तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कम से कम आपको 2% तक कर देना है, यहाँ पे इतना कर देना है, आपको 4% कर देना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद फ्रेंड आपको इस प्रकार से क्यूज यहाँ पर लगा देना है, इस प्रकार से आपको साइज बढ़ा करके और आपको यहाँ पर आसानी से लगा देना है। लगाने के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर अपना क्यूज लग गया है, थोड़ा सा मैं बढ़ा कर लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा इसको इधर से कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो अपना क्यूज लग गया। अभी फ्रेंड इस पर अपने क्वेश्चन लिखेंगे और नीचे अपने ऑप्शन लिखेंगे। तो फ्रेंड अपने ये क्यूज लग गया, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर लेयर वाले पे क्लिक करना है और इसको यहाँ से लॉक कर देना है ताकि लेगा नहीं यहाँ से।
अभी फ्रेंड आपको वापस शेप में जाना है, एक शेप और बनाना है, यहाँ पे छोटा सा बना लेना है यहाँ पे ऑप्शन के लिए। तो यहाँ पर मैं इस प्रकार से लगा लेता हूँ। लगाने के बाद में आपको वापस कलर वाले में जाना है और यहाँ से कलर आपको थोड़ा सा यहाँ पे जिस प्रकार से येलो कलर सेलेक्ट कर लिया, येलो कलर सेलेक्ट कर लेना है। वापस आपको रेडियस पे जाना है और 4% तक कर देना है, वापस 4% कर दिया, ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आपको इस प्रकार से यहाँ पर लगा देना है, इतना साइज करके यहाँ पर आपको लगा देना है। अभी फ्रेंड आपको क्या करना है, इसका कॉपी कर लेना है और 4 आपको बनाना है यहाँ पर, जिस प्रकार से अपना ऑप्शन रहते हैं ABCD, तो 4 बनाना है। तो वापस आपको इस पर टेप करना है और यहाँ पर आपको कॉपी वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो इससे आपको कॉपी कर लेना है। तो ये वाला हो गया 2, वापस कॉपी किया ये हो गया 3, और एक आपको और कर लेना है वापस, यहाँ पे हो जाएगा 4। तो फ्रेंड थोड़ा थोड़ा सा इस प्रकार से आपको एडजस्ट कर लेना है यहाँ पे। तो फ्रेंड इस प्रकार से लेयर है, चारों लेयर अपनी हो गई है। अभी फ्रेंड आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है, इसके बाद में आपको ऑप्शन लिखना है। तो फ्रेंड मैं आपको सब एडिटिंग यहाँ पर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन कॉपी कर लेना है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन कॉपी कर लिया है। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ पेस्ट करता हूँ। तो फ्रेंड आपको क्या करना है, क्वेश्चन डालने के लिए आपको क्या करना है, टेक्स्ट वाले पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ऊपर में देखोगे तो टेक्स्ट मिल जाएगा और नीचे भी मिल जाएगा, इस पर आपको डबल टैप करना है। यहाँ पे डबल टैप करने के बाद में अपने क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो नंबर क्वेश्चन नंबर 1 लिया, दुनिया का सबसे सस्ता पल कौन सा है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद फ्रेंड आपको क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पे कलर वाले पे जाना है। तो नीचे कलर वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो। तो जिस प्रकार से हमने ब्लैक कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड आपको फॉन्ट कौन सा रखना है यहाँ पे, तो फॉन्ट आप अलग अलग रख सकते हो। जिस प्रकार से यहाँ पे बी स्टाइल वाले पे क्लिक करोगे, स्टाइल वाले पे, तो आपको सिर्फ बोल्ड रखना है यहाँ पे। तो जो आपके अक्षर है थोड़े से बड़े हो जाएंगे, तो बोल्ड वाला रख लिया। आपको इस प्रकार से यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इस प्रकार से आपको छोटा करना है। इस लेयर को इस प्रकार से करोगे तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा। तो अपने जगह के हिसाब से आपको यहाँ पर कवर कर लेना है। तो अपना यहाँ पे क्वेश्चन लग गया, दुनिया का सबसे सस्ता फल कौन सा है। अभी फ्रेंड आपको क्या करना है, ऑप्शन है, इस ऑप्शन में आपको चारों ऑप्शन लगा देना है ABCD। तो आपको क्या करना है, वापस आपका जो भी यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ। तो अपना ऑप्शन सबसे पहले ऑप्शन ए है, तो इसको अपने कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। आप चाहो तो फ्रेंड यहाँ से एक साथ कॉपी कर लेना है, कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद वापस आपको एडिट में आ जाना है। एडिट में आने के बाद फ्रेंड आपको क्या करना है, इस पर आपको टेप करना है, कॉपी कर लेना है, तो इसका डुप्लीकेट हो जाएगा। आपको वापस पर डबल टेप करना है और इसको यहाँ से आपको कट कर देना है। तो फ्रेंड यहाँ पे देख रहे हो अपने, एकदम मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा एडिटिंग करने का। तो जिस प्रकार से आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, ABCD चारों ऑप्शन है, तो आपको क्या करना है, ओके कर देना है एक साथ ही। ओके करने के बाद फ्रेंड आपको क्या करना है, इस लेयर को क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लगा देना है, क्योंकि आपको एक तो टाइम कम लगेगा और आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो फ्रेंड मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ, जिससे आपको टाइम भी कम लगे और आपका भी काम हो जाए, मतलब आपका वीडियो भी यहाँ पर बन जाए। तो यहाँ पर देख रहे हो मैं यहाँ पर लगाऊंगा, शायद थोड़ा सा छोटा और कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको लगाना चाहिए ताकि अंदर अपने ऑप्शन है ABCD चारों के अंदर यहाँ पे फिट हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो अपने फ्रेंड एकदम एक जैसा लग रहा है। काफ़ी लोग ऐसे बताते हैं एक एक ऑप्शन को कॉपी करो फिर पेस्ट करो, तो आपका टाइम उसमें ज़्यादा लगता है और इसमें देखो यहाँ पर 2 मिनट भी नहीं लगा और काम भी अपना हो गया। तो यहाँ पर अपना देख रहे हो ऑप्शन यहाँ पर लग गया, ABCD चारों ऑप्शन लग गया। लगने के बाद फ्रेंड आप कलर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, मैं ऑलरेडी ये कलर रखूँगा तो ये कलर अपने को रखना है। अभी फ्रेंड देख रहे हो अपना क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे सस्ता फल कौन सा है, और इसका आंसर है अपना ऑप्शन बी केला है। तो आपको क्या करना है, केले का एक PNG ले लेना है। तो केले का PNG कहाँ पर मिलेगा वो भी बता देता हूँ। वापस आपको कट कर पल इमेज सर्च मेन एप्लीकेशन है, इसको आपको ओपन करना है और यहाँ पे अपने लिखेंगे जिस प्रकार से बनाना BANA बनाना PNG लिख के आप सर्च करोगे, तो आपको यहाँ पर बहुत सारी केले का PNG मिल जाएगा। तो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं ऊपर वाले पर टैप किया और इसको अपने डाउनलोड कर लेना है। फ्रेंड आपको जो भी इमेजेस चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हो, यहाँ पे कॉपीराइट फ्री है। यहाँ पे यहाँ से आप कोई इमेज लेके तो इस पर आपको कॉपीराइट क्लेम है वो नहीं आएगा। तो ये PNG ले लिया है, वापस आपको प्लस वाले पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है और वो PNG ले लेना है जो आपने डाउनलोड किया था। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद में अपने क्या करते हैं, इस पर ओके करना है और आपको यहाँ पर लगा देना है। तो फ्रेंड यहाँ पर देख रहे हो अपना यहाँ पर क्वेश्चन बन गया है। तो फ्रेंड यहाँ पर देख रहे हो अपना जो अपने PNG के साथ में अपना क्वेश्चन बन गया है, दुनिया का सबसे सस्ता फल कौन सा है, ऑप्शन हो गया ABCD और यहाँ पे अपने PNG लगा दिया। तो फ्रेंड पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये हो गया और दूसरा भी मैं आपको ये बताऊंगा, इसके बाद भी फ्रेंड मैं आपको एडिटिंग बता दूंगा। तो दोस्तों देख सकते हो अपना पहले वाला GK का क्वेश्चन का क्यूज यहाँ पे बन गया है। अभी आपको क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। तो सेव कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको ऊपर में देख रहे हो यहाँ पे वाला सेव वाला लेयर वाला दिखाई दे रहा है आपको, ये लेयर वाले पे क्लिक करना है और सेव एज इमेज करके आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड कैसे करना है, आपको कस्टम वाले पे क्लिक करना है, अल्ट्रा लिखा है इस पर आपको क्लिक कर देना है और सेव टू गैलरी कर देना है। तो ये क्यूज अपने गैलरी में डाउनलोड हो गया है।
अभी फ्रेंड मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ दूसरा कैसे बनाना है, इसके बाद में फ्रेंड मैं आपको एडिटिंग बताऊंगा। तो ये अपनी सेव होगी, अभी आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको दूसरा क्वेश्चन रहता है वो आपको कॉपी कर लेना है, वापस पे आपको टेप करना है, डबल डबल टेप करने के बाद में इसको यहाँ से आपको कट कर देना है और आपका जो भी क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ओके कर देना है। तो अपना दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लग गया है, अभी इसका साइज़ बराबर कर लेते हैं, यहाँ पे साइज़ बराबर कर लिया है। बराबर करने के बाद भी वापस आपको क्या करना है, जो भी अपना ऑप्शन रहता है वो आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो ये वाला PNG अपना केले का, इसको आपको ऐसे डिलीट कर देना है, तो ये डिलीट कर दिया। अभी आपको दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन ले लेना है, ABCD जो भी अपना क्वेश्चन रहता है, तो वापस आपको इस पर टेप करना है डबल और ये वाला आपको यहाँ से कट कर देना है। और दूसरा क्वेश्चन का है ये आपने पेस्ट कर दिया है, पेस्ट करने के बाद वापस आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद फ्रेंड देख सकते हो अपना जो अपना फर्स्ट वाला था क्वेश्चन सेम वैसा का वैसा सेकंड वाला बन गया, साइज वाइज सब यहाँ पे बराबर है। तो आपको क्या करना है, दूसरा बनाओगे तो आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देना है ताकि आपका टाइम बचेगा, यहाँ पे आपको टाइम कम लगेगा। तो अपना दूसरा क्वेश्चन हो गया, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, ऑप्शन ABCD। तो फ्रेंड इसमें अपना आंसर है ऑप्शन बी है, यहाँ पे आम है, तो आम का आपको PNG यहाँ पे ले लेना है। तो फ्रेंड देख रहे हो अपना यहाँ पे मैंगो का मैंने PNG यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, ओके कर देना है और वापस आपको सेम वैसा का वैसा यहाँ पे लगा देना है, जगह आपको कवर कर लेना है इस प्रकार से और आपको यहाँ पे लगा देना है। तो फ्रेंड इस प्रकार से आपको क्यूज बनाना अलग अलग, और क्यूज बनाने के बाद में आपको एडिटिंग कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड जो मैंने चैनल लिखा है सेम इसी प्रकार के यहाँ पे GK क्वेश्चन बना रहता है, और इस प्रकार से पहले क्यूज तैयार करना है आपको, और इसके बाद में फ्रेंड आप एडिटिंग करोगे तो आपको टाइम कम लगेगा। तो इस प्रकार से क्यूज बना लिया है, अब इसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है, सेव एज इमेज वाले पे क्लिक करना है, कस्टम पे क्लिक करना है, अल्ट्रा में जाना है और सेव टू गैलरी कर देना आपको। तो ये अपना दो हो गया, अभी फ्रेंड तीसरा भी आपको इसी प्रकार से करना है, चौथा पांचवा जितना आप बनाना चाहो यहाँ से आपको कर लेना है। अभी आपको एडिटिंग कैसे करना है, यहाँ से आपको कट हो जाना है और काइनमास्टर एप्लीकेशन आपको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर अपने कर लिया काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन, क्रिएट वाले पे क्लिक कर देना है, क्रिएट न्यू लिखा है इस पर आपको क्लिक कर देना है, और अपने लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 16x9 वाला आपको साइज सेलेक्ट करना है, ये साइज सेलेक्ट कर लिया है, क्रिएट कर देना है। और क्रिएट करने के बाद में आपको एक वाइट का बैकग्राउंड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ से अपने कलर में चले जाते हैं और ये वाला वाइट कलर वाला बैकग्राउंड अपने सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद में आपको बैकग्राउंड इसका बड़ा करना है, कम से कम फ्रेंड अपने एक वीडियो बनाते हैं तो 25 से 30 सेकंड रखना चाहिए, तो इसका मैं कम से कम यहाँ पे 1 मिनट तक का यहाँ पे कर देता हूँ बैकग्राउंड। तो यहाँ से आपको बैकग्राउंड इस प्रकार से आपको लेयर को पकड़ना है और इस प्रकार से आपको बैकग्राउंड बड़ा कर देना है, 1 सेकंड से प्लस कर दिया, 1 मिनट तक यहाँ पे कर दिया है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको वापस लेयर वाले पे क्लिक करना है और क्वेश्चन नंबर 1 वाला क्यूज आपको सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया में जाना है और यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने क्यूज सेलेक्ट कर लिया है, अभी आपको क्या करना है, इसको आपको इस प्रकार से यहाँ पे पकड़ना है और यहाँ पर आपको लगा देना है, यहाँ पर आपको इस प्रकार से यहाँ पे पूरा कवर कर देना है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे लगा दिया, लगाने के बाद में आपको क्या करना है, इसका बैकग्राउंड बड़ा करना है, आपको कम से कम 25 से 30 सेकंड आपको कर देना है यहाँ तक एक वीडियो के लिए। तो मैं यहाँ पे 28 से 30 सेकंड यहाँ पे कर दिया हूँ, ओके कर देना है। तो अभी देख रहे हो अपना इसमें कोई एनिमेशन नहीं डाला है, अभी अपने इसमें टाइमर भी ऐड करेंगे, वॉइस भी और करना है, इसके बाद में आपका GK का वीडियो बनेगा। और दूसरा कैसे लगाना है इसमें दूसरा क्वेश्चन वो भी मैं बताऊँगा आपको। तो पहला वाला अपना बन गया, अभी आपको क्या करना, आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा एनिमेशन दे देना है, तो आपको इन एनिमेशन वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हो जिस पर स्लाइड राइट वाला है, स्लाइड लेफ्ट वाला है, आप जो भी यहाँ पे डालना चाहो वो डाल सकते हो। तो अपने जिस प्रकार से अपने यहाँ पे स्लाइड राइट वाला डालेंगे तो ये वाला आ जाएगा यहाँ पे, तो ये वाला अपने स्लाइड राइट यहाँ पे डाल देते हैं। तो स्लाइड राइट वाला अपना एनिमेशन डाल दिया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होगा। अभी फ्रेंड आपको क्या करना है, इसमें वॉइस ओवर करना है, इसके बाद बीच में आपको 5 सेकंड का टाइमर लगाना है और यहाँ पे आंसर लगाना है, और आंसर में आपको एक एनिमेशन भी दे देना है। तो आप वॉइस ओवर कैसे करना है आपको बता देता हूँ मैं, सिंपल एक क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, उसके बाद में सेम उसी प्रकार से आपको सेकंड वाले में करना है। तो दोस्तों मैंने वॉइस के लिए एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें आप वॉइस जनरेट कर सकते हो गूगल वाला फ्री में, बिल्कुल कम से कम 5-10 मिनट का वॉइस जनरेट कर सकते हो आप। तो उसका मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना वीडियो का, वीडियो देख लेना कैसे वॉइस बनाना है। और भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए जिसमें वॉइस जनरेट करते हैं गूगल वाला, आप यहाँ पे चाहो अपना डालना चाहो तो आप अपना भी यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग वाले पे क्लिक करना है और आपको क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है, बोलते हुए जाना है आपको इस प्रकार से। आपका पहला प्रश्न है, दुनिया का सबसे सस्ता फल कौन सा है, ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी जामुन। इसके बाद में फ्रेंड आपको यहाँ पर स्टॉप हो जाना है। स्टॉप यहाँ पर क्यों ये बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ पर अपने को 5 सेकंड का टाइमर लगाना है और यहाँ पर टाइमर लगाने के बाद में अपना जो भी आंसर रहेगा उसका वॉइस आपको लगाना है। तो यहाँ पर अपने टैप करेंगे, लेयर वाले पे क्लिक करेंगे
और यहाँ से आपको टाइमर सेलेक्ट कर देना है। यहाँ से आपको एक टाइमर सेलेक्ट कर लेना है, वो टाइमर कहाँ पर मिलेगा वो भी बता दूंगा मैं आपको अभी। तो फ्रेंड देख रहे हो अपना टाइमर है, ग्रीन स्क्रीन का टाइमर है 5 सेकंड का। अगर फ्रेंड आपको भी इस प्रकार का टाइमर है, बैकग्राउंड चाहिए वीडियो बनाने के लिए, तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऐड हो जाना है, आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में, आप ऐड कर सकते हो, वीडियो बनाने के लिए ले लेना है। तो फ्रेंड अभी आपको क्या करना है, इसका ग्रीन स्क्रीन में है तो आपको हटा देना है, नीचे इधर आ जाना है। इधर आओगे तो आपको यहाँ पे क्रोमा के वाले पे क्लिक करना है और इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करोगे तो इसका बैकग्राउंड है वो हट गया है। अभी आपको क्या करना है, इसको इस प्रकार से छोटा करना है और यहाँ पर आपको लगा देना है, इस प्रकार से यहाँ पर लगा देना है। लगाने के बाद में आपको क्या करना है, जिस प्रकार से अपनी वॉइस यहाँ पर चलेगी, यहाँ पर अपनी वॉइस खत्म हुई ऑप्शन लिखी, तो इसके बाद में अपना टाइमर चलेगा 5 सेकंड तक। टाइमर खत्म होने के बाद में आपको क्या करना है, आपका जो भी आंसर रहेगा वो उसका वॉइस आपको बोल देना है, रिकॉर्डिंग वाले पे क्लिक करना है और जो भी आपका आंसर है वो आपको यहाँ पे बोल देना है। तो अपना आंसर ऑप्शन बी केला है, तो आपको केले का बोल देना है यहाँ पे। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी केला। तो यहाँ पर अपने आंसर बोल दिया यहाँ पे। लेकिन अभी आपको क्या करना है, आपको एनिमेशन लाना चाहो तो आप एनिमेशन यहाँ पे डाल सकते हो। तो अपना जो भी अपना आंसर है इसमें आपको क्या करना है, एनिमेशन डाल देना है। तो एनिमेशन डालने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा आपको, लेयर वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख रहे हो हैंडराइटिंग वाला मिल रहा है आपको, हैंडराइटिंग वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले पेंसिल ले लेना है, कौन सा पेंसिल सेलेक्ट करना चाहो। तो ये अपना पेंसिल सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर अपने कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो अपना ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में वापस आपको पेंसिल वाले पे जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी यहाँ पे एनिमेशन ले सकते हो, गोला वाला भी ले सकते हो और इस प्रकार से आप हैंडराइटिंग वाला, तो ये वाला आपने सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में आपको उंगली से इस प्रकार से आपको यहाँ पे टैप करना है और एक यहाँ पे क्यूज बना लेना है, इस प्रकार से आपको बना लेना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आपको इस प्रकार से यहाँ पे लगा देना है। तो जब भी अपना आंसर यहाँ पर आएगा तो आपको क्या करना है, इसमें आपको एनिमेशन डाल देना है, इन एनिमेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप ड्रा इन ऑर्डर लिखा है वाला एनिमेशन आपको डाल देना है। तो अपना आंसर जब भी आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे एनिमेशन ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगा। तो देख रहे हो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे प्ले करके दिखा देता हूँ, एक सेम इसी प्रकार से आपको सेकंड वाला बनाना है। तो अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, अभी आपको क्या करना है, दूसरा वाला बनाना है। तो देख रहे हो अपनी वॉइस यहाँ पे खत्म हो रही है, तो यहाँ तक आपको रखना है, वापस पे टेप करना है और इसको कैच वाले पे क्लिक करना है, ट्रिम राइट कर देना, आपको ये कट जाएगा और इसका बैकग्राउंड आपको क्लिक करना है और इसको भी यहाँ से आपको कट कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर अपना 1 खत्म हो गया यहीं पर। अभी आपको सेकंड वाला बनाना है, आपको वापस आपको लेयर वाले पे क्लिक करना है और सेकंड वाला क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है। देख रहे हो अपना सेकंड वाला क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद फ्रेंड इसका भी आपको क्या करना है, यहाँ पे बैकग्राउंड यहाँ पे बड़ा कर देना है, 25 से 30 सेकंड तक आपको कर देना है यहाँ पे, इस प्रकार से आपको कर देना। करने के बाद में आपको क्या करना है, इसका भी यहाँ पे आपको पकड़ना लेयर को और इस प्रकार से आपको यहाँ पे एरिया पे कवर कर देना है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ पे अपने लग गया है। लगाने के बाद में आपको क्या करना है, वापस आपको इन एनिमेशन पे क्लिक करना है और आपको राइट लेफ्ट आप जो भी जानना चाहो तो यहाँ से आपको डाल देना है, ओके कर देना है। तो अभी अपना फर्स्ट वाला खत्म होगा, इसके बाद में आपका सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है, वॉइस ओवर करना है, टाइमर लगाना है और आपको एनिमेशन आपको डाल देना है और बाकी का क्यूज अपना रेडी है, दूसरा बनाना है, इसके बाद में आपको तीसरा बनाना है। इसी प्रकार से आपको सब आगे पीछे करके आपको 1, 2, 3 जितना क्वेश्चन बनाना चाहो यहाँ से आपको बना लेना है बिल्कुल फ्री में। अभी मैं आपको यहाँ पे प्ले करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे अपना किस प्रकार से यहाँ पे बनना है, कैसे वॉइस ओवर हुआ है, सेम इसी प्रकार से आपको सब कुछ करना है। आपका पहला प्रश्न है, दुनिया का सबसे सस्ता फल कौन सा है? ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी जामुन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी केला। तो फ्रेंड देख लिया होगा अपना क्वेश्चन नंबर 1 अपना वॉइस के साथ में बन गया। अभी सेकंड वाला है आपको उसी प्रकार से आपको वॉइस ओवर करना है और आपको बनाना है। तो फ्रेंड इस प्रकार का आप बनाना चाहो तो आपको बहुत ही कम समय बन जाएगा, क्योंकि आप अगर वीडियो देख लोगे तो आपको एडिटिंग समझ में आ जाएगा और इसके बाद में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना रहेगा, आप वीडियो बना लोगे आसानी से। तो फ्रेंड मैं अभी जो सबसे पहले मैं आपको जो चैनल का रनिंग दिखाया था वो मैं आपको बता देता हूँ। BRGK Study का चैनल है यूट्यूब पे और सेम उसी की तरह मैंने यहाँ पे वीडियो बना के बताया, BRGK Study चैनल है, आप देखना, चैनल है GK का चैनल है, अच्छा खासा अर्निंग कर रहा है, अच्छा खासा सब्सक्राइब है और अच्छा खासा व्यूज आ रहा है। तो सेम इसी प्रकार से वहाँ वीडियो बना रहता है, आप भी देखना और इस प्रकार से आप वीडियो बना के आप चैनल भी ग्रो कर सकते हो, आप वीडियो बना सकते हो, GK का वीडियो है ना, इसमें फ्रेंड आपको कोई फेस दिखाना है
और आपको सीधा कॉपी पेस्ट करके वीडियो बनाना है। वीडियो बनाने के बाद में आपको सीधा डाउनलोड वाले पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद में आपको सीधा यूट्यूब पे अपलोड कर देना है। तो इस प्रकार से आपको पूरा बना लेना, 1, 2, 3, 4 जितना चाहो इस प्रकार से आप बना सकते हो। और अगर इस प्रकार का बैकग्राउंड आप नहीं बना पाते हैं, टाइमर नहीं मिलता आपको, तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऐड हो जाना है। वहाँ पर आपको इस प्रकार का बैकग्राउंड है, टाइमर है 5 सेकंड का, 3-4 अलग अलग प्रकार से वहाँ पे टाइमर मिलेगा, आपको ले लेना वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड मैंने पूरा बता दिया है किस प्रकार से क्या करना है। अगर आपको और भी नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक्स फ्रेंड, आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ना भूलना। थैंक यू, जय हिंद।